नमस्कार, मैं प्रिया। आज 10 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज 10वें चरण की होगी मतगणना। अब बिहार में जमीन फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। बिहार में डीएपी के साथ साथ एनपीके का वितरण शुरू। 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधे तेजस्वी और रेचल आयरिश। आखिरकार किसानों की हुई जीत, इस तारीख को वापसी का किया ऐलान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज 10वें चरण की होगी मतगणना। पंचायत चुनाव बिहार में अब अपने समापन की तरफ है। 9 चरणों के सफलतापूर्वक मतदान और मतगणना के बाद आज 10वें चरण की मतगणना की बारी है, जिसके तहत ही आज 34 जिलों के 817 पंचायतों में हुए मतदान का फैसला होगा। इसके लिए 7,257 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इतना ही नहीं, कई इलाके उग्रवाद प्रभावित भी थे, जिसके कारण ही 10वें चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस मुख्यालय ने करीब 38,000 पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा बलों की तैनाती की थी। वहीं आज प्रत्याशियों की किस्मत का निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने पुराने चेहरों को ही मौका दिया है या इस बार नए चेहरों की बारी है। बिहार में लगेगा शराब के काले कारोबार पर लगाम। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जिस तरह से बिहार के लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे में बिहार सरकार अब और ज्यादा सख्ती दिखा रही है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर अब बिहार सरकार के अलावा बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी बीच शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए जिला स्तर पर अब एंटी लीकर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस फोर्स की जिम्मेदारी खासकर ग्रामीण इलाकों में होने वाले शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की होगी। इसको लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने सभी जिलों में ऐसी टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो, वर्तमान समय में जिला स्तर पर एक एंटी लीकर टास्क फोर्स काम कर रही है, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे आने वाले समय में बिहार में शराबबंदी कानून पर लगाम लगाए जाने की बात कही जा रही है। अब बिहार में जमीन फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। अब बिहार में जमीन फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने खास तैयारी कर ली है, जिसके तहत ही बीते दिन रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ब्रेंसेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जो कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने किया है। लॉन्चिंग के मौके पर मंत्री ने बैंकों के साथ आम लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होगा जो जानकारी के अभाव में वैसी जमीन को खरीद देते हैं जो बैंक के पास गिरवी पड़ी होती है। सबसे खास बात यह है कि इस पोर्टल के माध्यम से अब इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि कोई जमीन किसी बैंक में बंधक तो नहीं रखी गई है, जिससे सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि बैंकों द्वारा आम लोगों के आवेदन पर ऋण स्वीकृति करने के काम में तेजी आएगी। साथ ही इस पोर्टल की मदद से जमीन की खरीद फरोख्त में संभावित धोखे से बचा जा सकता है। बिहार में सोन नदी पर बन रहा है सड़क पुल। लंबे इंतजार के बाद बिहार में पहला सड़क पुल सोन नदी पर बनने जा रहा है। इस पुल के निर्माण हो जाने से बिहार और झारखंड के कई शहरों की दूरी कम हो जाएगी। एक अनुमान के अनुसार 100 से 150 किलोमीटर तक ये कम जाएगी, और अब तक जिस सफर को करने में 3 घंटे तक का समय लगता था, उसे महज आधे घंटे में ही पूरा किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के पड़ुका गांव के निकट सोन नदी पर इस पुल का निर्माण होना है। यह पुल रोहतास को सीधे झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार जिलों से जोड़ेगा। राहत की बात यह होगी कि इस पुल के बन जाने के बाद रोहतास से गढ़वा, पलामू, लातेहार समेत कई जिलों की दूरी 120 किलोमीटर से घटकर 20 किलोमीटर रह जाएगी। इस दिन विभिन्न न्यायालयों में लोक अदालत का होगा आयोजन। लोगों की अलग अलग समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब 11 दिसंबर 2021 को पटना के विभिन्न न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कई मुद्दों का निपटारा भी किया जाएगा, जिसको लेकर सचिव सह अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार झा ने कहा कि सितंबर महीने में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 1676 मुद्दों का निपटारा किया गया था और कई बैंकिंग मुद्दों का भी निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया गया था। वहीं फिर से 11 दिसंबर को होने वाले लोक अदालत में भी कई मुद्दों पर निपटारा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, बैंक ऋण, विद्युत से संबंधित, वाहन दुर्घटना बीमा, मापतौल, श्रम वाद, नीलाम पत्र वाद समेत पारिवारिक मामले इत्यादि और उपभोक्ता फोरम से जुड़े मामले विचार विनियम और संयोजन और सुलह के आधार पर समाधान निकाला जाएगा। आखिरकार किसानों की हुई जीत, इस तारीख को वापसी का किया ऐलान। 378 दिन से दिल्ली और पंजाब की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन आखिरकार बीते दिन खत्म हुआ और किसानों की तपस्या रंग लाई।
ज्ञात हो कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून की वापसी का ऐलान भले ही कर दिया था, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन एमएसपी, मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर जारी रखा था, जिसके बाद सरकार ने उनकी इन मांगों पर भी सहमति जता दी है और एमएसपी पर समिति का गठन और किसानों के खिलाफ दायर मुकदमों की वापसी की जानकारी के बाद अब किसानों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब किसान एक साल से ज्यादा के समय के बाद 11 दिसंबर को घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस बाबत कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा था और रहेगा, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये बड़ी जीत है। 11 तारीख से बॉर्डर खाली होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे किसान शहीद है, जवान शहीद हुए हैं, हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ है और 11 तारीख से हम इस विजय से गांव से जाना शुरू करेंगे। रेलवे के 1,03,769 पदों पर भर्ती के लिए बिहार से 10,00,000 से ज्यादा आवेदन। रेलवे में लेवल 1 ग्रुप डी के 1,03,769 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसको लेकर देश भर के छात्रों ने सोशल मीडिया पर अभियान चलवाकर रेलवे की परीक्षाओं की तारीख घोषित करने की मांग की थी। करोड़ों छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाया था, जिसका ही परिणाम रहा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई, साथ ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा कई चरणों में 23 फरवरी से शुरू करने की बात कही है। इन सबके बीच हैरानी की बात यह रही कि इस परीक्षा में बिहार से लगभग 10,00,000 छात्रों ने आवेदन किया है, वहीं कुल मिलाकर इसके लिए 1.15 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है। इंटरस्तरीय बहाली कैंडिडेट 9 मांगे लेकर पहुंचे बीएसएससी ऑफिस। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की साल 2014 की प्रथम इंटरस्तरीय के 13,120 पदों पर निकाली गई बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। यही कारण है कि ये सभी अभ्यर्थी गुरुवार को आयोग के कार्यालय पर पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों ने एक मांग पत्र भी आयोग को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि काउंसलिंग की सूची जारी होने और काउंसलिंग के लिए मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट के बाद 53,000 परीक्षार्थी परेशानी में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों ने कर्मचारी चयन आयोग से आग्रह किया है कि अभ्यर्थियों के करियर का सवाल है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही अभ्यर्थियों ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स और रैंक लिस्ट जारी करने, जारी प्रमाण पत्र और क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र वर्तमान समय का लिए जाने समेत अन्य मांगे भी रखी है। अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन सख्त होंगे नियम। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, साथ ही अच्छे संकेत ये हैं कि अब तक बिहार में ओमिक्रॉन के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इन सबके बीच बिहार सरकार ने ओमिक्रॉन की समीक्षा शुरू कर दी है, साथ ही ये भी कहा गया है कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन जैसा कोई माहौल तो नहीं है, लेकिन नियमों को सख्त किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तमाम अधिकारी इससे निपटने की तैयारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर इस बात की समीक्षा की जा रही है कि किस तरह से लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाया जा सके। इसके लिए बिहार सरकार नए वेरिएंट को देखते हुए आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए गाइडलाइन तैयार करने वाली है। सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधे तेजस्वी और रेचल आयरिश। मीडिया में लगातार चल रही खबरों के बीच बीते दिन सात फेरे लेकर शादी के बंधन में तेजस्वी और रेचल आयरिश बंध गए हैं, जो कि मीसा भारती के सैनिक फार्म हाउस पर गुरुवार को तेजस्वी यादव की शादी हरियाणा की रेचल आयरिश के साथ हुई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तेजस्वी और रेचल आयरिश ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की, जिसको लेकर दिल्ली में जश्न का माहौल तो था ही, साथ ही पटना में राजद नेताओं की तरफ से तेजस्वी की शादी का जश्न मनाया गया। ज्ञात हो शादी में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव सहित मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश और लालू परिवार में पारिवारिक संबंध भी है। इसके अलावा लालू की बेटियों के ससुराल के कई लोग भी इस शादी में शामिल हुए थे। बिहार के मुंगेर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुंगेर भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में स्थित एक शहर और जिला है। इतिहास महाभारत काल का मोदगिरी आज मुंगेर के नाम से जाना जाता है। मुंगेर बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की राजधानी भी था। यही पर मीर कासिम ने गंगा नदी के किनारे एक भव्य किले का निर्माण करवाया था। यह किला 1934 में आए भीषण भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसका अवशेष अभी भी शेष है। यहाँ पर स्थित कष्टहरिणी घाट हिंदू धर्मावलंबियों के लिए पवित्र माना जाता है। प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार गंगा नदी के घाट पर स्नान करने से एक व्यक्ति का सभी कष्ट दूर हो गया था। उसी वक्त से इस घाट को कष्टहरिणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र घाट के समीप ही नदी के बीच में माता सीताचरण का मंदिर स्थित है। यहाँ जाने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है।
बिहार में डीएपी के साथ साथ एनपीके का वितरण शुरू। राज्य में डीएपी के साथ साथ एनपीके का वितरण शुरू कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खाद की मांग के अनुरूप केंद्र सरकार से आपूर्ति नहीं मिल पाने से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार की माने तो किसानों की जेब पर अधिक बोझ ना पड़े, इसके लिए दोनों खादों की आपूर्ति का अनुपात समान रखा गया है। राज्य सरकार के आश्वासन के अनुसार 13 दिसंबर तक 22,803 टन डीएपी की आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले 7 दिसंबर को 7800 और 8 तारीख को 7958 यानी कि कुल 15,758 टन आपूर्ति मिली थी, लेकिन अब तक खाद की रेक बिहार नहीं पहुंची है। हालांकि इन सबके बीच केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक बिहार में विशेष गाड़ी से 38,560 टन डीएपी पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान और कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम का गठन भी कर दिया गया है, जिसके तहत 0612223355 नंबर भी जारी किया गया है। शराबबंदी के फैसले की हो समीक्षा। बिहार में शराबबंदी कानून भले ही लागू है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सारी जानकारी आप और हम मीडिया पर चल रही खबरों को देखकर लगा सकते हैं। ऐसे में एनडीए के अंदर से शराबबंदी को लेकर विभिन्न पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार बयानबाजियां जारी है। इसी बीच हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उन्हें शराबबंदी के फैसले पर एक बार फिर से सरकार को यानी कि नीतीश कुमार को समीक्षा करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, मांझी ने तो शराबबंदी के निर्णय की खामियां भी गिनवाई। मांझी ने कहा कि हम शुरुआती दौर से ही कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून से जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो गरीब तबके के लोग हैं। शराब तस्करी के जो बड़े खिलाड़ी हैं वो पकड़ के बाहर रहते हैं, जबकि गरीब लोग परेशान होते हैं। हमारी अपील है कि छोटी मछली को नहीं बल्कि बड़ी मछली को पकड़े। बिहार में दिए जा रहे हैं 12 प्रकार के टीके। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे टीकाकरण को लेकर हर दिन नए दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में हो रहे विभिन्न प्रकार के टीकाकरण पर उन्होंने एक नया दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार में 12 प्रकार के टीके दिए जाने की बात कही है। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण के तहत बच्चों को 12 तरह की रोगों से रक्षा के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें खसरा, टेटनेस, पोलियो, क्षयरोग, गला घोंटू, काली खांसी और हेपेटाइटिस बी समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना संक्रमण के बीच अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। उर्वरक की उपलब्धता को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। बीते दिन उर्वरक की उपलब्धता को लेकर सीएम नीतीश ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में कृषि विभाग के साथ उर्वरक की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उर्वरक की आवश्यकता, आवंटन, आपूर्ति और उपलब्धता को लेकर विस्तृत जानकारी दी, जिसके तहत उन्होंने रबी 2021-22 में उर्वरक को यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी की आवश्यकता और रबी 2021-22 का रबी 2020-21 से उर्वरक की तुलनात्मक स्थिति और रबी 2021-22 में उर्वरकों की कुल उपलब्धता के संबंध में सारी जानकारी दी। इस दौरान सचिव कृषि ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार से खाद आपूर्ति को लेकर बातचीत किए जाने का काफी असर हुआ है, जिसके चलते खाद की आपूर्ति बढ़ाई गई है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी कई फसलों की बुआई का मौसम चल रहा है, किसानों को खाद की किल्लत ना हो इसके लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। पीएम किसान निधि लेने के लिए जरूर करें ये काम। केंद्र सरकार ने सभी किसानों के हित में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देना शुरू किया था, जिसके बाद अब तक कई किश्तें किसानों के खाते में आ गई हैं। ऐसे में जो भी किसान अपनी 10वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं उन किसानों को इस काम को जरूर करना होगा, जिसके तहत जो भी किसान अपनी 10वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी, यानी कि किसानों को EKYC पूरा करना होगा, उसके बाद ही किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकारी जानकारों की माने तो 10वीं किश्त 15 दिसंबर तक जारी हो सकती है। ऐसे में सभी किसानों से यही अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक EKYC पूरा कर लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द करने की जरूरत है। केंद्र में ना लेकिन बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करेगी भाजपा। बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके बाद से बिहार में जातीय जनगणना करवाने की मांग पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से की जा रही है। चूंकि केंद्र की सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना की बात से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार भाजपा ने अब जातीय जनगणना का समर्थन करने की बात कही है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार सरकार में PHED मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामप्रीत पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार खुद से बिहार में जातीय जनगणना कराएगी, हम लोग इस मुद्दे पर नीतीश के साथ हैं, भाजपा सीएम नीतीश का इस मुद्दे पर समर्थन करेगी। जगदानंद सिंह को
थी तेजस्वी की शादी की जानकारी। तेजस्वी की शादी को लेकर बीते दो दिनों से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि इन सबके बीच यह भी कहा जा रहा था कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शादी की कोई भनक नहीं थी। हालांकि बीते दिन उन्होंने इससे ठीक उलट बयान दिया है, जिसके तहत जैसे ही मीडिया में शादी की फोटो वायरल हुई, जगदानंद सिंह ने कहा कि उन्हें भी इस शादी की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए थे। तेजस्वी दिल्ली जाने से पहले खुद अपनी शादी की जानकारी देकर गए थे, लेकिन इन बातों को गुप्त रखना था ताकि तेजस्वी के प्रशंसक इसकी जानकारी मिलते ही दिल्ली की तरफ कूच कर जाते, जिससे काफी दिक्कत होती। उधर भाई की हुई शादी और इधर तेज प्रताप की जा सकती है विधायकी। बीते दिन लालू परिवार के लिए एक बड़ा दिन था, क्योंकि बीते दिन ही तेजस्वी यादव की शादी हुई। हालांकि जहां एक तरफ परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के विधायकी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटे के निर्वाचन को अमान्य करार देने की याचिका पर बीते दिन एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान विजय कुमार यादव की चुनाव याचिका पर जस्टिस वीरेंद्र कुमार की अदालत में गवाह पेश किए गए। तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने इस तीसरे गवाह रविंद्र कुमार का जिरह किया, जिसके बाद ही कोर्ट ने इस गवाह को उन्मुक्त अर्थात डिस्चार्ज कर दिया। तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने की चुनाव याचिका दायर की है। मिली जानकारी के अनुसार अब यह सुनवाई 16 दिसंबर 2021 को फिर से की जाएगी। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। गुजरात में 1992 में देश की पहली होवर क्राफ्ट सेवा शुरू हुई। अमर्त्य सेन को 1998 में स्कॉट होम में अर्थशास्त्र के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार दादामुनि ने 2001 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारतीय कवि और ब्लॉगर मानस माधरेचा का जन्म 1996 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार और शिक्षाविद मोहम्मद अली का जन्म 1878 में आज के दिन हुआ था। औरंगजेब के दरबार का एक प्रभावशाली सामंत यशवंत सिंह का निधन 1679 में आज के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता अशोक कुमार का निधन 2001 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेजस्वी के जैसे चोरी छुपे नहीं बल्कि खुलेआम शादी करेंगे चिराग। तेजस्वी यादव के विवाह की जानकारी जितनी तेजी से निकल करके सामने आई है, उससे बिहार की राजनीतिक गलियारे में बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा कि खबरें थी, तेजस्वी ने बीते दिन शादी कर ली है, लेकिन बिहार में उनकी शादी को लेकर बयानबाजी थमी नहीं है, जिसको लेकर ही लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि शादी की बधाई है। साथ ही चिराग ने साफ साफ कहा कि जब भी वो शादी करेंगे तो सबको इसकी जानकारी पहले से ही देंगे। तेजस्वी गृहस्थ जीवन में नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें मेरी बधाई। मैंने हमेशा तेजस्वी को अपना छोटा भाई कहा है। जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो खुशियां घर में ही आ रही है। उनको और पूरे परिवार को बधाई। मैं जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं करता। वहीं जब मीडिया ने उनसे गुपचुप शादी के मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब भी शादी करूंगा डंके की चोट पर करूंगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,280 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,550 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। के बाद कोहली को लेकर बोले रोहित शर्मा। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने क्रिकेट के 50 ओवर फॉर्मेट यानी वनडे क्रिकेट में विराट कोहली को हटाकर रोहित शर्मा को भारत का कप्तान नियुक्त किया है। यानी अब व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में भारत के अलग अलग कप्तान होंगे। व्हाइट बॉल यानी T20 और वनडे में रोहित शर्मा इंडिया का नेतृत्व करेंगे और रेड बॉल यानी टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली टीम की अगुवाई करेंगे। वनडे कप्तान बनाए जाने के बाद रोहित शर्मा पहली बार बोले हैं। बैक स्टेज विद बोरिया शो में बात करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि विराट कोहली जैसे बल्लेबाज की जरूरत हमेशा टीम को होती है। T20 में 50 प्लस की औसत होना वाकई काबिले तारीफ है। अपने एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में बेहतरीन बल्लेबाजी कर टीम को जीत दिलाई है। विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उसकी जरूरत टीम को है। वो अभी भी इस टीम के लीडर हैं। करोड़ यूजर इस्तेमाल कर सकेंगे व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस। व्हाट्सएप ने भारत में अपनी पेमेंट सर्विस पर यूजर की संख्या को दोगुना करके 4 करोड़ करने के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त किया है। इस बात की जानकारी एक प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सोर्स ने रॉयटर्स को दी है। कंपनी ने अनुरोध किया था कि भारत में उसकी भुगतान सेवा के उपयोगकर्ताओं पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस हफ्ते कंपनी से कहा है कि वो उपयोगकर्ता आधार को दोगुना कर सकती है, जिससे वो अपनी भुगतान सेवा की पेशकश कर सकता है, जो वर्तमान में 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ तक सीमित है।
पटना हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर निकली वैकेंसी। पटना हाईकोर्ट में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। पटना हाईकोर्ट में नौकरी पाने का एक बहुत ही अच्छा मौका सामने आया है। पटना हाईकोर्ट की तरफ से जिला जज के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। इस नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें कुल 18 पदों पर भर्ती की जाने की बात कही गई है इन पदों के लिए। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से वकालत के क्षेत्र में बैचलर्स की डिग्री होना चाहिए। इससे आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट pathnahighcourt.gov.in पर जाना होगा। ध्यान देने की बात यह है कि इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2021 से शुरू होगी जो कि 20 जनवरी तक जारी रहेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है एस विनय यादव, धर्मेंद्र कुमार, मनीष मोहरा, एच यादव, स्टोरीज प्लस, बबीता यादव, काजल कुमारी, कुमार राहुल, सुमित कुमार, मनीष मोरा, जितेंद्र रविदास, रंजीत सिंह, रघुनाथ प्रसाद। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी कानून के लिए समिति बनाने साथ ही किसानों की अन्य मांग को मानने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।